ओके सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर चलो, दूंगा, सो आप यहाँ तक मतलब कोई सेंड कर डाउट? दोगे मेरे को? हाँ, ओके सेंड कर दूंगा। यस यस, चलो ओके, यहाँ थैंक यू तक कोई सर। डाउट? R/3 मेरा नेट रेजिस्टेंस आ गया। हाँ अब मैं सर, वापस इसमें करंट पता नहीं कितना है, लेट्स से I करंट जा रहा है, तो V इज इक्वल्स टू IR/3 लिख सकता हूँ। यस तो सर, I कितना आएगा? 3V हाँ बाई सर, R। और V की जो वैल्यू हमने पहले निकाली वो पुट कर लेते हैं। V की वैल्यू कितनी पुट की? V की वैल्यू पॉइंट कितनी निकाली? 0.3 R। जीरो R पॉइंट से R थ्री कैंसिल, फाइनल आंसर 0.9। ओके सर, ठीक सही है? है। हाँ सर, नो कोई सर, डाउट? 0.9 एम्पियर विल बी द फाइनल करंट। ओके जैनम, यस सर, सर यस बोलो। बैटरी की ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस क्या होगा? बता देता हूँ, 1 मिनट। चलो बेटा, कुछ कुछ हम लोग अब जो आज डिस्कस करेंगे, हमारा वो सब हो गया ना, हाँ सर, रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर हाँ हो सर, चुका है, पावर राइट? और बेसिकली ये हीट हो चैप्टर गया। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हाँ सर, हम लोगों को छोटी छोटी जो कुछ चीजें हैं वही देखनी है आज, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप। EMF एक चीज होती है, और जो तुम वोल्टेज पढ़ते हो वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। उसको एग्जैक्टली क्या कहते टर्मिनल हैं? वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो तुम बैटरी लिखते हो ना, जैसे ये बैटरी बना के उसके नीचे लिख रहे हो 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, वो एक्चुअल में ईएमएफ, उसका क्या है? टर्मिनल अच्छा आपका वोल्टेज है। समझ में टर्मिनल, आया? EMF नहीं है, इसका अच्छा टर्मिनल अच्छा वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। कोई डाउट यहाँ तक? ये नहीं सर, ओके अब देखो, ये जो EMF है वो क्या है, वो समझने के लिए देखो कि मान लो ये जो बैटरी है, अगर इस बैटरी को मैं देखूं, अगर इस बैटरी को अलग करके देखूं, तो इस बैटरी के अंदर एक चीज ऐसी होगी जो उसको एनर्जी होगी, और उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। समझ में आया? बैटरी के अंदर भी क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं क्या कहता इंटरनल हूँ? रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है सबको? हेत हीत आदित्य नॉयनिका ब्रज आयुष ओझा वृंदा, वीडियो बेटा सबके ऑन होने चाहिए। मुस्कान, समझ में आ रहा है? मुस्कान नहीं है क्लास में। ओके चलो, यहाँ तक कोई डाउट? जो कोई भी बैटरी है, उस बैटरी को भी अगर मैं देखूँ तो उसके अंदर दो पार्ट बने होंगे। जैसे कि मान लो इस बैटरी को मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तुम्हें पता चले, लेट्स से ऐसा, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर भी एक चीज ऐसी होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और उसमें जो केमिकल्स है वो उसको रोक भी रहे होंगे, मतलब रेजिस्टेंस भी अंदर ही कुछ ना कुछ रहेगा। ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, विच इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल आर। और जो बैटरी जो क्रिएट कर रही है उसको हम कहते हैं EMF स्मॉल ई। ई नहीं होता है, बेसिकली होता है एप्साइलन। ओके कुछ एप्साइलन जैसा, ई जैसा, ऐसा होता है कुछ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सर कोई रेजिस्टेंस मतलब क्या डाउट? बोला यस सर, सर, वो नो क्रिएट सर। कैसे होती है बैटरी में? बैटरी के अंदर भी केमिकल्स ही है ना बेटा, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करना है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? रेजिस्टेंस तो होगा ही तो होगा। सर पर वो रेजिस्टेंस आया समझ केमिकल्स में? सर ऐसा होता है ना शायद से, केमिकल्स ही तो एनर्जी क्रिएट करते हैं बैटरी में। केमिकल्स ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, बट चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी क्रिएट होगा, कि चार्ज जब भी फ्लो होता है, एक टाइप का ये फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन ऐसा समझ सकते हो। तो चार्ज को जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाना है, तभी भी क्या होगा? कुछ ना कुछ चार्ज का रेजिस्टेंस भी क्रिएट होगा। आया समझ में? ओके सर, ओके सो जो मेरा वोल्टेज, जो मेरा ई है वो क्या है? इसको हम EMF बोलेंगे, और वो बेसिकली क्या है? जो पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट हो रहा है उसका काम करता है। आर जो है वो क्या है? इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, जो बैटरी में से ही कुछ एनर्जी ड्रॉप कर लेगा। जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो 10 वोल्ट या 15 वोल्ट तुम्हारे बैटरी के ऊपर जो लिखा होता है, वो लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का वोल्टेज, इन दोनों के बीच का वोल्टेज लिखा होता है। तो इन दोनों के बीच के वोल्टेज को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई इतना प्रोड्यूस हो रहा है, और माइनस करंट मान लो I फ्लो हो रहा है, तो IR जितना क्या हो रहा है? अंदर ही बैटरी के अंदर ही खत्म हो रहा है, उतनी एनर्जी बैटरी के अंदर ही हाँ खड़ी सर, जाएगी। हाँ
समझ में आ रहा है? यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अगर मान लो करंट अगर आई जितना फ्लो हो रहा है बैटरी में से, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला। तो इतना लॉस हो रहा है और इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो तुम 10 वोल्ट की बैटरी लोगे, अगर लेट्स से 10 वोल्ट की बैटरी ले रहे हो, तो एक्चुअल में हो सकता है कि वो प्रोड्यूस कर रहा होगा 10.2 वोल्ट, पर 0.2 वोल्ट उसी के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज जो आ रहा है, वो आ रहा है 10 वोल्ट। आया समझ में? ये हाँ बोलो, ये लिखे। हाँ, अगर लिखना है तो लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से। ओके, बोर्ड के लिए नहीं है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आ सकता है। वो ई वाला पार्ट आप तो तुम अपने हिसाब से जो नोट्स लिखना है वो लिख सकते हो। यस, ई वाला जो पार्ट है, ई डिनोट्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका सिर्फ ये एप्सिलॉन मोटिव फोर्स। हाँ, एप्सिलॉन ही बोलते हैं उसको, ऐसे डिनोट करते हैं, ई जैसे डिनोट करते हैं। सर मतलब आइडियल ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि कितना प्रोड्यूस हुआ। आइडियल बैटरी ऐसी होगी जिसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। तो आइडियल बैटरी के लिए ई और वोल्टेज सेम होगा, ई और टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा। ओके, प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा आई आर जितना। हाँ, प्रैक्टिकली हम जो पढ़ते हैं वो टर्मिनल वोल्टेज ही देखते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है V is equals to E minus IR। सर, है कोई डाउट? मुझे वो E वाला नहीं समझ रहा अभी, E minus IR। ओके, E क्या है वो समझ में नहीं आया? नहीं सर, वो नहीं समझ आया। ओके, लेट्स से एक काम करते हैं, ई जो है वो मैं वोल्टेज ड्रॉप ही, एक तरफ का वोल्टेज ही है, ई का फॉर्मूला या फिर ई का जो यूनिट है वो वोल्टेज ड्रॉप का ही यूनिट है। ओके, और ई का मतलब कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, समझ में आया? ई का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी केमिकल्स जो है वो कितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज को देते हैं, उसको मैं ई बोल देता हूँ। आया समझ में इतना? ओके, अब बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर मान लो तुम अगर एक बैटरी ले लोगे जिसमें लिखा हुआ है कि ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो वो एक्चुअल में प्रोड्यूस 10 वोल्ट नहीं कर रहा होगा, वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा होगा कितना? लेट्स अज्यूम वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैं लिख लेता हूँ 10.1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? 10.1 का प्रोड्यूस कर रहा होगा। ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, 0.1 जूल या फिर 0.1 वोल्ट का इधर ही उसका वोल्टेज ड्रॉप करवा देता है। तो मुझे रहा है यहां और यहां के बीच में जो इफेक्टिव मिल रहा है वो मुझे कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है। आया समझ में? यस सर। डाउट? ओके, तो जो एक्चुअल में बैटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इफेक्टिवली कितना मिल रहा है। इफेक्टिवली एंड एक्चुअली ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है। एक्चुअल जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज ईएमएफ, इफेक्टिवली जो मिल रहा है दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। आगे क्या समझ लो सबको? ओके, बहुत सारी जगह पे बेटा बैटरी के ही ऊपर ई लिखा होता है, वी की जगह पे क्या लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट ऐसा दे रखा है। तो उससे कुछ डरना नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैंसिल करेंगे उस केस में। आया समझ में? हाँ सर। चलो बढ़े आगे। सर मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। यस बोलो। हाँ सर, सर ये जो संडे वाला टेस्ट है इसमें वेटेज 15 मार्क्स का ही रहेगा ना फिजिक्स का? हाँ 15 मार्क का रहेगा। और सर ये मतलब व्हाट्सएप संडे वाला टेस्ट नहीं, संडे वाला सब्जेक्टिव टेस्ट है ना, संडे तो सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो सर 10 फिर वो 10 मार्क का रहेगा। ओके, 10 रहेगा। यस, मैथ्स 40
टी का रहेगा 4-0 आगे के सर इस बार एक साथ ही है ना सब इसलिए इससे पहले भी तो एक साथ था हाँ तो मतलब इससे पहले वाले ईयर में एक साथ नहीं होगा गूगल मतलब ये आईआईटी आश्रम के ऐप पे होंगे ये एग्जाम नहीं 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 गूगल क्लासरूम पे आएगा क्लासरूम पे आएगा ये सब सब्जेक्टिव जितने भी होंगे वो सब क्लासरूम पे होंगे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो आईआईटी आश्रम के ऐप पे आएंगे ओके तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ऐप पे आएगा सर ये ऐप के बारे में बता सकते हैं क्या डाउनलोड प्ले स्टोर से करना है तुम्हारे पास बेटा एक एसएमएस आया है क्या कभी एडमिशन के टाइम एसएमएस आया है कोई या अभी कुछ रिसेंट में आया है एसएमएस सर आईआईटी आश्रम से तो नहीं आया है यस आईआईटी आश्रम से एसएमएस व्हाट्सएप नहीं एसएमएस कुछ आया है नहीं सर नहीं आया कोई बात नहीं नेक्स्ट संडे जो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके अंदर एक एसएमएस आएगा ओके उस एसएमएस के थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे ओके सर पर थोड़े टाइम पहले कोई दूसरी ऐप का भी आता तो उस पे होगी या जिस पे लास्ट ईयर जैसे क्लास प्लस वाला था उस पे होगी नहीं 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 क्लास प्लस वाले पे नहीं होगा दूसरा ऐप है दूसरी भी एक वाली है वो डिलीट कर दो क्लास प्लस वाली जो है वो डिलीट कर दो उसका काम नहीं सर जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे वो हम दे पाएंगे क्या ऐसे पीसीएल यस यस सबसे दे पाओगे पीसी लैपटॉप हां तो सर आप उसकी इंफॉर्मेशन भेज देंगे जैसे लैपटॉप कैसे लॉगिन कर यस 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 हो जाएगा वो आपको टाइम एग्जाम के टाइम पे पता चल जाएगा ओके क्लास प्लस की ऐप खुल भी नहीं रही है हां वो बंद कर दो उसको अनइंस्टॉल कर दो सर चलो मोबाइल वाले भी बंद कर दें आईआईटी आश्रम वाले नहीं आईआईटी आश्रम वाली रहने दो क्लास प्लस की जो है ना वो अनइंस्टॉल कर सकते हो ओके सर ओके ओके सर चलो यहां तक कोई डाउट बेटा इजी इज इक्वल्स टू ई माइनस आईआर इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया ओके अब हम लोग वो चीज देख लेते हैं छोटी छोटी एमिटर एंड वोल्टमीटर ओके सो एमिटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमिटर सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली बेटा एमिटर करता क्या है एमिटर उतना करंट मेजर करता है जितना उसमें से फ्लो हो रहा है एमिटर का काम क्या है उतना करंट मेजर करना जितना किस में से फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइस में से फ्लो हो रहा है ओके जैसे कि मान लो यहाँ का करंट आई आ रहा है इसका अगर आई वन बोल दूं इसका अगर आई टू बोल दूं तो क्या ये तीनों सेम होंगे आई आई वन और आई टू सेम होंगे क्या ये तीनों करंट सेम होंगे हाँ नहीं हाँ? सर नहीं सर नहीं सेम तो नहीं होने वाले ओके आई जो है ये वाला जो एमिटर है वो क्या फाइंड ये क्या फाइंड आउट करेगा कि बैटरी से कितना निकला सर वो सबसे ज्यादा ओके ये वाला जो है अलग अलग हाँ वो सबसे ज्यादा होगा और आई कैन राइट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ये तो होगा ही होगा हाँ सर ओके नीचे वाला ब्रांच तो मतलब बेसिकली हुआ क्या करंट एमिटर से जितना फ्लो हो रहा है उतना ही वो मेजर करेगा बाकी कुछ नहीं करेगा जितना उस पर्टिकुलर ब्रांच में से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट एमिटर मेजर करेगा कोई डाउट तो अगर मान लो मुझे ये रेजिस्टेंस R2 में से जो करंट फ्लो होने वाला है वो अगर फाइंड करना है रेजिस्टेंस R2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर फाइंड करना है तो मुझे एमिटर उसके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा बिकॉज सीरीज के अंदर ही करंट सेम होता है समझ में आ रहा है R2 का करंट फाइंड करने के लिए जो एमिटर लगाना चाहिए वो कहाँ लगाना चाहिए R2 के साथ सीरीज में लगाना चाहिए समझ में आ गया सो इसलिए एमिटर जो है वो हमेशा कहाँ लगता है सीरीज में लगता है ओके सो एमिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट ओके एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन कोई डाउट यहाँ तक चलो दूसरी चीज चेक करते हैं मान लो मेरे पास एक बैटरी है बैटरी का वोल्टेज है लेट्स से 20 वोल्ट और उसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम बताओ करंट कितना फ्लो होगा थियोरेटिकली करंट कितना फ्लो होगा करंट कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर हाँ ना जल्दी बोलो V is equals to IR लगा के 2 एम्पियर निकाल लाओगे ना कोई प्रॉब्लम सो 2 एम्पियर करंट इधर से फ्लो होने वाला है अगर मान लो इसको मैंने प्रैक्टिकली इस 2 एम्पियर को मेजर करने के लिए मैंने एक एमिटर इधर लगा दिया
ये एक एमिटर लगा दिया, कोई डाउट? नहीं सर। तो इस एमिटर का रीडिंग कितना आना चाहिए? एमिटर का रीडिंग कितना आना चाहिए? 2 एम्पियर आना चाहिए, कोई डाउट? बट होता क्या है, क्या होता एक्चुअल में? एक्चुअल में एमिटर क्या है, एक डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा ही। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, अगर इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है तो अब क्या होगा, बैटरी का सॉरी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 11 ओम हो जाएगा। और जो बैटरी से करंट निकलने वाला है वो हो जाएगा 20/11 व्हिच इज इक्वल्स टू 1. कितना आएगा ये? 1.88 आएगा शायद। मतलब इसको मैंने मेजर करने के लिए जैसे ही ये डिवाइस लगाया तो सर्किट का ही करंट चेंज हो गया। आया ना? जब मैं इसको प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए जैसे ही मैंने इस डिवाइस को लगाया, एमिटर को लगाया, तो जो सर्किट है वही चेंज हो गई। यस सर। तो ये तो गलत बात है। कोई चीज को मेजर करने के लिए अगर उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाती है तो फिर गलत है ये तो। आया ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो मेरे को जो एमिटर लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए? वो ऐसा लेना चाहिए जिसका मतलब एक आइडियल रेजिस्टेंस। अगर आइडियल एमिटर लो तो आइडियल एमिटर कैसा होना चाहिए? जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, ऑलमोस्ट 0 हो, नेगलिजिबल हो। ओके, वोल्टमीटर का कोई भी एमिटर है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ओके, आइडियल एमिटर हैज 0 रेजिस्टेंस। आया समझ में? क्यू 0 होना चाहिए वो भी समझ में आ गया। यस सर। क्यू 0 होना चाहिए वो भी समझ में आ गया, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सेम चीज हम लोग वोल्ट मीटर के साथ करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ओके, बिकॉज मुझे ये और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो उस इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी होने वाला है। ओके, तो वोल्ट मीटर का जो मेजरमेंट आएगा वो वही मेजर करता है जितना उस पर्टिकुलर डिवाइस में वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, और वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल में कनेक्ट करने पे सेम रहता है, इसलिए वोल्टेज को हम लोग मतलब इस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम होगा कि अगर मान लो ये आर है, अगर इसका खुद का अगर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, थोड़ा करंट वहां से फ्लो। ओके, तो नेट रेजिस्टेंस चेंज ना हो, नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट ये कुछ भी चेंज ना हो, इसलिए आर की वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट। कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने से क्या होगा? करंट में चेंज नहीं होगा, करंट एकदम नेगलिजिबल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? इनफाइनाइट ही क्यों लिखा? जीरो क्यों नहीं लिखा? सर जीरो लिखे जीरो होता तो उधर से पास होता। सर जीरो तो बेटा एक मिनट देख लो सुन लो 1/R net। अगर मैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊंगा तो उसका नेट रेजिस्टेंस 1/R net का फॉर्मूला क्या होगा? 1/R प्लस 1/R रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, आर भी बोल दू। ओके, अब जब ये नहीं था तब नेट रेजिस्टेंस आर के इक्वल ही था। हाँ सर। तो वो मतलब ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या कर दूं कि ये नेगलेक्ट हो जाए, ऐसा इस फॉर्मूला में ऐसा क्या कर दूं कि ये नेगलेक्ट हो जाए, तो मुझे आर वी को क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट कर देना पड़ेगा। ये 1/∞ 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एमिटर था तब सीरीज में था, तो सीरीज का नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर। अब इस फॉर्मूला में ऐसा क्या कर दूं कि उसकी वैल्यू आर के इक्वल आ जाए, तो इसको नेगलेक्ट करने के लिए आर ए कितना होगा? 0 कर ले। तो जो आइडियल एमिटर होगा उसका नेट रेजिस्टेंस 0 होगा, सॉरी उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट ओम होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट भाई इसमें? नो सर।
में किसी को कोई डाउट है? हाँ ना, जल्दी बोल दो। नहीं सर। ओके, तो हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सर अभी भी बाकी है कुछ? हाँ, एक छोटी सी चीज बाकी है, अभी कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, एक छोटी सी चीज है, देख लो, बहुत सिंपल है, वो है रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज। क्या है भाई? रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज। ये कुछ भी नहीं है, एकदम मामूली सी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, देख लेते हैं। मान लो तुम मोबाइल खरीदने जाओगे तो क्या देख के मोबाइल खरीदते हो? वो कैसा उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? अरे यार, मोबाइल खरीदने जा रहा है या कुछ और? मतलब फीचर्स कैसा दिखता है, वो तो सबसे लास्ट में आएगा ना। फीचर्स, रैम रोम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यस सर। भाई इंटरनल मेमोरी कितनी है और उसके अंदर रैम और रोम ही तो देखते हैं बेसिकली। कोई भी सीपीयू खरीदने जाओगे बेसिकली मदरबोर्ड है एक टाइप का। ओके, तो यही सब वो मेगापिक्सल, वो सब फीचर्स की बात हो गई। और जो बहुत ही मेजर चीज है कोई भी कंप्यूटर में या कोई भी मोबाइल के अंदर, वो रैम एंड रोम है। कोई डाउट इसमें? ये तो सबको पता है ना। मतलब बेसिकली उसकी स्पेसिफिकेशंस है, अगर ये अच्छा होगा तो बाकी सब सही होगा। ओके, सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, जैसे तुम्हारा बल्ब हो गया, बैटरी हो गई, तुम्हारा लेट्स से टीवी हो गया या फिर एसी हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लो, उसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन दी जाती है। ओके, कोई क्या दे रखी है? स्पेसिफिकेशन दे रखी है। इस स्पेसिफिकेशन को हम कहते हैं रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज। ओके, मान लो एक बल्ब का स्पेसिफिकेशन दे रखा है 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई समझा सकता है? सर, जब उसको कि तुमको रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो वो 100 वॉट मतलब पावर लेगा। वेरी गुड, समझ में आया बेटा। जब उसको 220 वोल्ट का, इस बल्ब को जब 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करोगे तो ये जो पावर कंजम्पशन करेगा वो कितना करेगा? 100 का करेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? यस। अच्छा, अगर मान लो किसी ने क्या किया, इसी बल्ब को, ऐसे दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया। क्या किया भाई? इस दो बल्ब को सीरीज में, सेम आइडेंटिकल जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वही सेम टाइप के बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया, तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि दोनों 220 वोल्ट के साथ, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि इसका पावर जो होगा वो 100 होगा और इसका पावर भी 100 होगा? सही है गलत है? 50 डिवाइड हो जाएगा, 50-50 होगा। हाँ, पावर का क्या होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड होगा या नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ ना। तुम क्यों फाइनल पे जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि 100 होगा, हाँ या ना? नहीं सर, 100 हाँ सर हो जाएगा। सर 100 होगा या 200 भी हो सकता है? अरे यार, मैं जो बोल रहा हूँ हाँ या ना में आंसर देना है सबको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पहला वाला बल्ब है उसका पावर कंजम्पशन क्या 100 वॉट होगा? इस पर्टिकुलर नीचे वाली सर्किट में, इस सर्किट में 100 वॉट का पावर कंज्यूम होगा या नहीं होगा? यस और नो, इतना बताओ। सर होगा, होगा, होगा सर, होगा। 100 वॉट कंजम्पशन होगा सर? नहीं सर, कम होगा सर, कम होगा। 100 वॉट का होगा या नहीं, हाँ या ना में आंसर बेटा। वीडियो ओवरऑल की, इंडिविजुअल का सर, सिर्फ पहले रेजिस्टेंस की बात कर इंडिविजुअल का कम होगा, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात चल रही है। सर 100 तो नहीं होगा। क्या होगा? 100 नहीं होगा। 100 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 100? बिकॉज तुम्हें पता है कि भाई 220 देने पे 100 कंजम्पशन हो रहा है। मैं अब जब दो बल्ब को 220 दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल को 220 नहीं मिलने वाला। यस सर। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले का पावर जो होगा वो 100 तो होगा ही नहीं, इतना तो पक्का है। इसका भी 100 तो नहीं होगा, इतना पक्का है। समझ में आया ये? पावर उतना नहीं, वोल्टेज उतना नहीं मिलने वाला। तो जो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज दिया है उसका मतलब समझ में आया? यस। कि भाई 220 दोगे तो इतना पावर कंजम्पशन होगा, 220 नहीं दोगे तो पक्का उतना नहीं होगा। ये समझ में आ गया? यस। ओके, मान लो मैं उसी दो बल्ब को, अब मान लो उसी दो बल्ब को 220 वोल्ट के साथ अगर पैरेलल में कनेक्ट करे, वही दो बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करे, क्या अब इंडिविजुअल का 100-100 होगा? हाँ सर। हाँ सर, अभी बोल सकते हैं। का 100-100 होगा? अब मैं बोल सकता हूँ बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। अब मैं बोल सकता हूँ कि 100-100 होगा?
क्यों? बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल के अंदर सेम होता है, मतलब अगर इसका 220 है, इसका भी 220 मिलेगा, इसको भी 220 मिलेगा, तो उससे क्या होगा, पावर कंजम्पशन भी 100-100 होगा क्योंकि 220 मिल रहा है। आया समझ में? हाँ सर। व्रत में आ रहा है? यस सर। ओके चलो, अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करे, अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन में देख लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही दो बल्ब को पैरेलल में ही कनेक्ट किया, बट 220 की जगह पे लेट से मैंने दे दिया 440। अब क्या पावर कंजम्पशन 100-100 होगा या नहीं होगा? नहीं सर, ज्यादा होगा। नहीं होगा। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं होगा? कोई डाउट? ज्यादा या कम की बात डिस्कशन बाद में करेंगे, पर यहाँ से इतना समझ में आया कि भाई अब क्या होगा, अब मेरा 220 100 वोल्ट पावर कंजम्पशन नहीं होने वाला। नॉइनिका आ रहा है समझ में? ओके सर, एक्चुअली 100 वॉट हो भी सकते दोनों का इंडिविजुअली। क्यों हो सकता है सर? अगर 220 वोल्ट का हम लोग अगर करंट आई ले ले और 440 से कंपेयर, तो वो आधा करंट में भी काम करेगा हैं? सर करंट हाफ हो जाएगा सर। मतलब करंट हाफ होने से क्या होगा सर? पावर कंजम्पशन सेम रहेगी। कैसे कैसे बेटा? सर वो 2V into I by 2 होगा, तो हो जाएगा ना कैंसल आउट 2-2। क्या कह रहे हो बबुआ, कुछ समझ में नहीं आया। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले जब तुम I की बात कर रहे हो, करंट की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं इधर की बात करता हूँ कि भाई 220 वोल्ट मिल रहा है तो 100 वॉट पावर आना चाहिए। सो अगर तुम ऐसा कहना चाहते हो ना कि पहले करंट निकाल लो, तो Vp is equals to Vi लगा लेते हैं फॉर्मूला, तो I की वैल्यू आएगी 100/220। ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। और तुम ऐसा कहना चाहते हो कि यहाँ का वोल्टेज डबल है तो करंट में आधा कर दूं तो काम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? सर पॉसिबल हो सकता है वो? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं होगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे दो रेजिस्टेंस में जब लगाऊंगा तो करंट जो है वो कुछ अलग निकलेगा, समझ रहा है? हाँ सर। अरे इसका वोल्टेज ड्रॉप देखो कितना, सॉरी इसका करंट कितना होगा? इसका करंट बेटा, इसका रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला ना, कुछ भी कर लो। जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो करंट 100/220 आ रहा था इन दोनों का, मतलब वो पैरेलल वालों का, आइडेंटिकल बोला ना मैंने पहले भी। हाँ आइडेंटिकल है, पहले ही बोला मैंने, तुम उसको भूल जाओ। अभी ये सोचो कि इस सर्किट में जब एक 220 वोल्ट के साथ 100 वॉट लगा है तो इतना करंट फ्लो होने वाला है, जब 440 के साथ ये लगाएंगे तो करंट कितना फ्लो होगा? तो इसका वोल्टेज ड्रॉप है 440 इज इक्वल टू क्या करेंगे, I इंटू R। अब बेटा इसके अंदर भी सेम चीज में अप्लाई कर सकता था कि इसके अंदर भी करंट निकालने के लिए V अपॉन I यूज कर सकता था, सॉरी V अपॉन R यूज कर सकता था। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा कितना, 220 अपॉन R, पर इसमें करंट कितना होगा, 440 अपॉन R होगा, तो दोनों में करंट सेम नहीं जाने वाला। आया समझ में कुछ? हाँ सर। ओके तो चाहे कुछ भी कर लो, अगर तुम 440 वोल्ट दे रहे हो तो करंट या चाहे कुछ भी हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप 100 नहीं आने वाला। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके तो स्पेसिफिक वोल्टेज, सॉरी रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर इस देन, इनको देने का फायदा क्या हुआ? इनको देने का फायदा बेसिकली क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज से अगर मैं इस फॉर्मूला में, सॉरी इस जो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज दे रखा है उसके अंदर V इज इक्वल्स टू IR लगाऊं, सॉरी एक मिनट, ये रेटेड पावर पता है मुझे और रेटेड वोल्टेज पता है, इससे मैं P इज इक्वल्स टू अगर VI लगाऊं और उससे I निकाल लूं P अपॉन V, तो क्या ये I हर बार कॉन्स्टेंट रहेगा क्या? इसको अब मैं किसी के साथ भी लगा दूं तो क्या I कॉन्स्टेंट रहेगा? अक्षत ध्यान यहाँ पे नहीं है तुम्हारा, क्या आई कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर रहेगा।
कैसे बेटा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, वापस बोल, वापस सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वापस सुनो, हाँ वापस सुनो, वापस सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो मैं एक और सर्किट बना दी जिसके अंदर ऐसे 5-6 बल्ब और लगा दिए, सेम आइडेंटिकल बल्ब सारे 5-6 और लगा दिए 220 के साथ, ओके, तुमको रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज दे रखा था, तो उसका यूज करके पावर और वोल्टेज का यूज करके तुमने ये करंट निकाल लिया, तो मान लो करंट आया 0.5 एम्पीयर, कितना आया मान लेते हैं, कितना आया 0.5 एम्पीयर, तो ये जो करंट जो तुमने निकाला क्या ये हर बार कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं इसको बल्ब को कहीं पे भी लगा दूं, मान लो इसमें लगा दिया तो क्या करंट 0.5 रहेगा, अलग होगा, नहीं ना अलग होगा, रेटेड वोल्टेज से मतलब क्या हुआ, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज से जो करंट निकालते हैं बेसिकली इसका कोई फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं है, बिकॉज करंट डिपेंड करता है कि सर्किट कैसी है उस पे, हाँ या ना, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है, ये जो तुमको रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज दे रखा है उससे करंट निकालने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज करंट डिपेंड होता है सर्किट पे, उसमें बैटरी कितनी है, उसमें रेजिस्टेंस कितना है, उस सब पे डिपेंड होता है, तो कभी भी रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज से मैं करंट डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, ये समझ में आया, यस सर, ओके, चलो अब मैं दूसरा सोचता हूँ कि मैं लगा देता हूँ P is equals to V square by R और रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज जो दे रखा है उससे मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज से जो इंडिविजुअल करंट हो पाएंगे, अब बताओ, अब जो रेजिस्टेंस है वो तो चाहे कुछ भी कर लो, अब इस बल्ब को कांस्टेंट रहेगा, यस, इस बल्ब को आप जिंदगी में कहीं पे भी यूज कर लो, रेजिस्टेंस उसका तो यही रहेगा जो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज से आया, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, राइट, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में, जब भी कोई भी क्वेश्चन में तुमको दे रखा है रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज, तो बेसिकली तुमको दे रखा है रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं दिया, क्या दिया है तुमको, रेजिस्टेंस दिया है पर अलग तरीके से दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला, ओके, तुमको मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे सुनो ध्यान से, एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, तुमको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि एक सर्किट है, सर्किट का वोल्टेज दे रखा है मान लो 100 वोल्ट और इसमें दो बल्ब लगाया है, दो बल्ब लगाया है और तुमसे पूछा है कि भाई इसमें करंट कितना है ये फाइंड करो, ये करंट फाइंड करने को पूछा था, तुमको ये जो दो बल्ब दे रखा है उसका रेटेड पावर पहले वाले का दे रखा है 100 वॉट व्हेन रेटेड वोल्टेज इज 200 वॉट और दूसरे वाले का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पावर दे रखा है 50 वॉट और वोल्टेज दे रखा है लेट्स से 300 वोल्ट, समझ में आया, yes, अरे समझ में आया, तुमको yes, क्या दे sir. रखा है, दो बल्ब लगा रहे, दोनों बल्ब का रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज दे रखा है और तुम दोनों को इस बल्ब को मैंने एक को इधर लगाया एक को इधर लगाया और पूछा भी करंट निकाल के बताओ, तो बेसिकली तुमको क्या दे रखा है ये और ये क्या दे रखा है, दोनों के रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका, ओके, तो सिर्फ रेजिस्टेंस देने का अलग तरीका होता है रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस पता चल गया फिर वापस वही जो सर तुम पहले कर रहे थे वही कर लो, आया समझ में, नेट सर इसका एडवांटेज क्या होता है, रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज, नहीं इसका एडवांटेज बेटा क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ओके, वो जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट हमें वोल्टेज सप्लाई करती है वो 220 वोल्ट करती है, तो हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है वो इस 220 वोल्ट पे बनाना पड़ेगा, मतलब मान लो मैंने एक ऐसा बल्ब बनाया जिसको तुम 440 वोल्ट दोगे तो ये बहुत ब्राइट हो जाएगा, अच्छा खासा ब्राइटनेस 440 वोल्ट पे मिलता है, तो क्या ये फायदा मतलब घर के लिए काम का है क्या, नहीं सर घर पे नहीं, नहीं।, नहीं काम का, क्योंकि घर के अंदर तो 220 ही आ रहा है तो ब्राइटनेस उसकी कम ही होगी, तो हम लोग कोई भी बल्ब बनाएंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उसको 220 वोल्ट मिलने वाला है ये सोच के 220 वोल्ट पे वो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन करे या फिर उसका जो पावर कंजम्पशन या फिर यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरह से हो वैसा हम लोग बनाते हैं, कोई डाउट उसमें, नहीं सर, ओके, तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस अगर दे देते हैं, अगर मान लो तुम दुकान में जाओगे और तुमको रेजिस्टेंस देंगे कि भाई ये एक फैन है इसका रेजिस्टेंस इतना है, उससे तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
पर अगर तुमको रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज दोगे ना, मतलब देंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन, मतलब एक कमर्शियल स्टार्ट्स में यूजफुल रहता है, कमर्शियल यूज के लिए. यस, कमर्शियल यूज के लिए ये बेटर है. जैसे कि मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब है. ओके, एक बल्ब ऐसा है, दूसरा बल्ब कुछ ये है. दोनों में टेक्नोलॉजी कुछ अलग यूज हुई है. तुमको दोनों में दे रखा है कि दोनों की ब्राइटनेस सेम है. दोनों की ब्राइटनेस कैसी आएगी? सेम आएगी, ऐसा तुम्हें पता है. ओके, दुकान वाले बोल रहा है कि ये गारंटी है मेरी कि दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी. एक जो बल्ब है वो 220 वोल्ट का है, दूसरा बल्ब भी 220, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही रहेगा हर जगह पे, इतना ही मिलने वाला है, तो कमर्शियली ये वोल्टेज उसको रखना ही पड़ेगा. इसका जो पावर है वो 5 वॉट है, इसका जो पावर है वो 10 वॉट है. ओके, अब तुमसे कोई पूछे कि भाई इन दोनों बल्ब में से तुम कौन सा बल्ब खरीदोगे, बताओ कौन सा बल्ब खरीदोगे? सर दूसरा वाला. हाँ सर दूसरा वाला. दूसरा वाला मुझे कैसे पता? चलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन सा बल्ब खरीदोगे? राइट, सेकंड. फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला खरीदोगे ना, क्योंकि दुकान वाला ने पहले ही बोल दिया अभी ब्राइटनेस सेम है दोनों की. हमें ब्राइटनेस से मतलब है बल्ब का. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया कम एनर्जी लेके भी उतनी ब्राइटनेस दे रहा है, ये ज्यादा एनर्जी लेके उतनी ब्राइटनेस दे रहा है, तो फिर क्या बेटर रहेगा? फर्स्ट वाला खरीदना. फर्स्ट वाला ज्यादा बढ़िया. समझ में आ गया, क्योंकि ब्राइटनेस सेम ऐसा दिया हुआ है, इसलिए कोई डाउट नहीं सर. ओके, अब अगर मान लो इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ होता, अगर मान लो तुमको ये नहीं दिया होता, मैं बोल देता कि इसका रेजिस्टेंस 100 वॉट है, 100 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, अब तुम्हें पूछते तो दिक्कत हो जाती, कुछ पता ही नहीं चलता क्या लेना है क्या नहीं लेना. तो कमर्शियल यूज के लिए वोल्टेज एंड पावर बहुत ही अच्छा है, इसलिए रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज की बातें करते हैं. समझ में आया? तो सर ये हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देते हैं. एक और क्वेश्चन, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर लेबल रखा होता है, उस लेबल को चेक करोगे तो पता चल जाएगा तुम. ओके, जैसे फूड पैकेट में न्यूट्रिशन टेबल होता है ना, वैसे ही इसमें ये होगा. ओके, चलो एक और क्वेश्चन, मान लो तुम एसी खरीदने गए. हाँ बोलो सर. वेरी कर सकता है, जैसा आपने बोला 5 वॉट और 10 वॉट का, तो आपने बोला कि सेम ब्राइटनेस देता है. वेरी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है. यस, ये तो दुकान वाला बोल रहा था कि सेम ब्राइटनेस है, इसलिए मैंने वो खरीदा. अगर तुमको नहीं बोलता ऐसा कुछ और ऐसा बोल देता कि ब्राइटनेस अलग अलग भी हो सकती है. हाँ होती है बेटा, ल्यूमेन करके यूनिट होती है. तुम अगर बल्ब ले लेने जाओगे तो उसका ब्राइटनेस देखने के लिए ल्यूमेन करके आया, या फिर लक्स करके होता है, LUX, या तो लक्स होता है या फिर LUME. लक्स कंपनी का नाम है. ओके, कंपनी का नाम नहीं है बेटा, साबुन की बात नहीं चल रही. ओके चलो, तो इसके थ्रू आप ब्राइटनेस देख सकते हो और फिर पावर देख लो. हाँ मैं बता रहा हूँ, मान लो एसी है हमारे पास, एसी खरीदने जा रहे हो, एक 100 वॉट का एसी है, मतलब कि तुम्हें कुछ कह रहे थे कि अगर ल्यूमेन होती है ऐसा कुछ. हाँ मैं ऐसा बोल रहा था कि तुम्हें ब्राइटनेस सेम नहीं है, ऐसा दुकान वाले ने बोला कि ब्राइटनेस अलग अलग भी हो सकती है, और तुमको 10 वॉट और 5 वॉट का दिया. अगर तुम्हारा रूम छोटा है तो तुम 5 वॉट का यूज करोगे, और रूम बड़ा है, जैसे कि मान लो मेरे, जैसे अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें समझ में आएगा. एक एसी है, एक 100 वॉट का, 100 वॉट का मतलब 1 टन एसी, सुना होगा तुमने. 1 टन का एसी होता है, 1.5 टन का एसी होता है. तो वो टन जो है वो बेसिकली पावर दिखता है, 1000 वॉट का एंड 1500 वॉट का पावर वाले एसी है. तो अब बताओ कौन सा एसी लेना प्रेफर करोगे? एसी के अंदर दोनों में टेक्नोलॉजी सेम यूज होने वाली है. ओके, टेक्नोलॉजी तो सेम ही होगी. सो अगर मान लो, अब डिपेंड करेगा मेरे यूटिलिटी पे, समझ में आ रहा है कि इसका यूज कहाँ हो रहा है. अगर मान लो एक छोटे से रूम में होगा तो मैं बेटर है कि 1 टन का लूं, बड़े से हॉल में होगा तो 1.5 टन का लेना चाहिए. ओके, जबकि पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या होगा, जो 5 वॉट और 10 वॉट का बल्ब था, पहले वाले जो टंगस्टन के फिलामेंट होते थे ना, वो 100 वॉट के बल्ब होते थे. पहले टंगस्टन के जो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे उसका पावर बहुत ज्यादा था, 100 वॉट का पावर था. अभी जो LED बल्ब है उसका पावर बहुत ही कम है. समझ में आ रहा है? तो अब देखो इसमें टेक्नोलॉजी पूरी अलग है.
तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो भले ही दोनों की ब्राइटनेस सेम है पर एक 100 वॉट का यूज कर रहा है, दूसरा 5 वॉट पे ही उतनी ब्राइटनेस दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं टेक्नोलॉजी को कंपेयर करके जिसकी कम एनर्जी रेटिंग है वो चेक करूंगा, वो लूंगा। आ गया समझ में? यस। तो रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज इसलिए यूजफुल है, कोई डाउट? नो नो सर। नो सर। चलो सो आज यहाँ तक करते हैं, बाय बाय। बाय सर।